जो आपको हरभजन क्रिकेट अकेडमी से स्पॉन्सरशिप मिल रहा है उसका अप्रोक्सीमेट जो चार्ज करते हैं दैट इज 25 to 15,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी काबिलियत और आपकी जो डेडिकेशन है उसका आगे का सवाल वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अगर आप लोग मेहनत करेंगे वहाँ जाके तो वहीं से आपका हो सकता है करियर ऐसा निकल जाए कि वापस सिर्फ घर में घूमने के लिए और छुट्टी के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद आप साथ के साथ लोगों से ये करूँगा कि आप लोग वहाँ पे मेहनत करें, दिल से लगन से काम करें और सिर्फ यहाँ कुलगाम कमाएँ घूमने के लिए, अपने घर वालों से मिलने के लिए और छुट्टी काटने के लिए। डाइवर्ट करने लगती हैं। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स देखोगे आप, वो जो स्पोर्ट्समैन अगर काबिल नहीं हो पाया है उसका मेन कारण क्या है, दिमाग भटक जाता है। ठीक है, जो नेशनल प्लेयर इंटरनेशनल में बाहर पार्टिसिपेट करने जाता है उसको बाहर देखता है कि मैं चलो अभी लंदन आया तो लंदन घूम ही लूँ। ठीक है, और फोकस खराब हुआ, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, मौका अच्छा मिल रहा है, इस मौके को गंवाना नहीं है। ठीक है, आप लोगों के पास उम्र है हाथ में, आप लोगों के पास टैलेंट है, ठीक है, उसको ज़ाया नहीं जाना। ठीक है, उम्मीद करूँ मैं आप सात लोगों से कि आप मुड़ के वापस नहीं देखेंगे। आपने बड़ी मेहनत की, अपना अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, तो इस लिहाज से मैं आपको जैसे सर ने भी बताया कि आप अब आप पर है और फख्र की बात है। दूसरा, वहाँ पर रहना, डिसिप्लिन, मेहनत, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आपका ख्याल रखना है। मेरे बेटे जैसे हो मेरे, मैं आपको नसीहत देता हूँ बाप के तरह, अपना फ्यूचर इस वक्त संभालने का आपका सुनहरी मौका है, लिहाजा इसको गंवाना। वो ज़ुबैर बशीर है, मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। ताली बजाओ। इसके बारे में आपका क्या कहना है और खुसूसन बाकी लोगों के लिए आपकी क्या सजेशन है? जी, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ जो आर्मी की तरफ से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि जो न्यू टैलेंट है उनको बढ़ावा मिले, तो पहले मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो क्रिकेट एसोसिएशन और 9RR जो यहाँ पे आर्मी है उनकी वजह से जो टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ था ऑर्गेनाइज, तो उसकी वजह से हमें परफॉर्म करने का मौका भी मिला ताकि हम अपने टैलेंट को दिखा सकें कि हमें भी टैलेंट है। और मैं जो न्यू जनरेशन है उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मेहनत करने के बाद इंसान कभी पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो उसका फल ज़रूर मिलता है, तो मेहनत करनी कभी छोड़नी नहीं चाहिए और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, चाहे कुछ भी हो। फेलियर तो आते रहते हैं लाइफ में, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। प्लेटफॉर्म तो मिलता रहेगा, स्ट्रगल तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसके बाद आर्मी की तरफ से यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ तो उसमें हमें मौका मिला हम खुद को परफॉर्म करें ताकि हम आगे बढ़े। तो RR9 यहाँ पे जो आर्मी है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म अदा किया है और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है और हमें एक अच्छी एकेडमी जो कंसल्ट की है हमारे लिए, तो उसकी वजह से हम अपने टैलेंट को और इम्प्रूव कर सके और मेहनत करके आगे बढ़े। इंशाल्लाह कश्मीर का नाम और इंडिया का नाम हमेशा आगे बढ़ाए हैं। खासकर दूसरे लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यूथ सपोर्ट्स कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का शुक्र अदा कर रहा हूँ और 9RR का भी शुक्र अदा कर रहा हूँ जिन्हें हमें ये मौका मिला वहाँ जाने का, वो पठान अकाडमी और हरभजन अकाडमी का जाने के लिए हम साथ बंधे हैं। हमारा यही यूथ को मैसेज है कि वो आगे बढ़े सपोर्ट्स में और अच्छा खेले तो रिजल्ट जरूर आएगा। हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है और ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है और बाकी लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? ये इंडियन आर्मी का जो मुकामी यूनिट है 9RR और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स की मुश्तरका कोशिश थी। हमने यहाँ पर एक कुलगाम प्रीमियर लीग के नाम पर ये टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, इसमें 64 टीम ने हिस्सा लिया और इसका फाइनल बाजार तौर पर हम कुलगाम के मेन स्टेडियम में हुआ। वहाँ पर लोगों ने भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाई इस टूर्नामेंट में और साथ ही साथ यहाँ पर हमने 7 बच्चों को सिलेक्ट किया है जिनका
एक गिफ्ट मिला है इंडियन आर्मी की तरफ से, नाइन आर्मी की तरफ से। इनकी ज़ाती कोशिश की वजह से हरभजन एकेडमी के लिए 5 बच्चे जा रहे हैं और पठान एकेडमी के लिए 2 बच्चे जा रहे हैं।